हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री वालों के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ देखें, 7 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊँगा और इसका आंसर भी बताऊँगा कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो और जान सकते हो दोस्तों, या फिर कॉपी कलम पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला ही लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह कोई वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। टोटल जो है आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन, 40 और क्वेश्चन आएगा 2 से 3 सेट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश का सबका आएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों सब्सक्राइब करके, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। पहला है कि विटामिन से आप क्या समझते हैं, ये केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, तो उसे विटामिन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निस्तापन क्या है। तो निस्तापन क्या है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है कि वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को द्रवणांक से कम ताप पर धात्विक ऑक्साइड में परिणित करने का तापीय प्रक्रम जो है निस्तापन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन भी लिख देना है ZnCO3, उसके बाद रिएक्शन कराना है यहाँ पे ZnO+CO2 लिख देना है, ठीक है। ये आपका एक रिएक्शन हो गया और एक उदाहरण भी हो गया यहाँ पे निस्तापन का, तो ये आपको लिख देना है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट क्या है, व्याख्या करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में प्रभावित किया जाता है तो प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता, ठीक है। जब इसी प्रकार का प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन में प्रभावित किया जाता है, जब वास्तविक विलयन में, देखिए वास्तविक विलयन में डाला जाता है तो प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होता, लेकिन कोलाइडी विलयन में डाला जाता है तो प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है। तो इसी प्रकार बंद कमरे में रोशनदान से आते हुए प्रकाश में धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश का परिकीर्णन हो रहा है। यह घटना फैराडे द्वारा देखी गई तथा बाद में टिंडल द्वारा व्यक्त की गई थी, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अतः जब प्रकाश के अभिसारी पुंज को सॉल पर डाला जाता है तो प्रकाश का संपूर्ण मार्ग एक कोण या शंकु दिखाई पड़ता है, जिसे टिंडल कोण या फिर शंकु कहा जाता है, तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो यही लिखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए और अपने से जाके पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो इस पेज पर आप लोग आ जाओगे, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो अच्छे तरह से। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि Cd2+ आयन रंगहीन होता है क्यों। तो Cd2+ आयन जो है रंगहीन होता है क्योंकि, यहाँ पे देखिए Cd2+ आयन रंगहीन होता है क्योंकि इसके डी ऑर्बिटलों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप DD संक्रमण नहीं होता है, और ये आपको यहाँ पे लिख देना है Cd2+, उसके बाद ये आपको साइन देना है, उसके बाद क्रोमियम पे आपको 36 4D 10 और 5S0 आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपको 2 नंबर जो है पूरा मार्क दिया जाएगा। ये 1 नंबर यहाँ तक लिखोगे तो, और उसके बाद एक रिएक्शन दे देना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 नंबर है कि सेमीकंडक्टर के विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों बढ़ जाती है, तो यहाँ पर उत्तर है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वैलेंस, यहाँ पे बैंड से ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चालकता जो था, चालकता ताप बढ़ाने पर उसकी बढ़ जाता है, विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर, तो यहाँ पे ये लिख देना है। 6 नंबर देखते हैं कि H3PO3 अपचायक है जबकि H2PO4 नहीं, क्यों। क्योंकि यहाँ पर H3PO3 में जो है फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है और तथा यह +5 तक हो सकती है, इसलिए यहाँ पे अपचायक होता है। लेकिन H2PO4 में होता क्या है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होता है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे औपचारिक और ये नहीं होता है। सात नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्रसरण दाब को परिभाषित करें। तो प्रसरण दाब को आपको परिभाषित करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रसरण दाब वह दाब होता है जिसमें जिसे शुद्ध विलायक पर से कम करने पर उसका वाष्प दाब कम होकर विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, और यह अधिक के दाब जिसे विलयन पर लगाया जाता है ताकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाए। ये लिखना है दोस्तों वाष्प प्रसरण दाब का परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों सात क्वेश्चन किए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो आपको लघु उत्तरीय 2 मार्क्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। इसके आगे के वीडियोज़ में मैं आप लोग को इसके आगे के क्वेश्चन बताऊँगा काफ़ी सारे, उसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लॉन्ग टाइप भी आएगा दोस्तों। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव तो आ ही रहा है, तो इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको क्लास 6 से क्लास 12 के किसी भी तरह के प्रश्न में प्रॉब्लम हो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप और फोटो खींच के भेजिए और जवाब पाइए दोस्तों 10 सेकेंडों के अंदर, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8400400400 पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।